For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सीरियल बेपनाह का आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर्षवर्धन हुडा खेलेगा एक बेहतरीन दांव। दरअसल कोर्ट में मिस्टर हुडा कहेगा कि यश क्लिनिकली डिप्रेस था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी था। उसकी फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं थी और इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। इतना ही नहीं, मिस्टर हुडा बताएंगे कि उसको पैनिक अटैक भी आते थे और इस वजह से उसने सुसाइड किया। लेकिन जब पूजा 19 मार्च को अपने 5 करोड़ रुपए लेने पहुंची तो यश ने जानबूझकर कार का एक्सीडेंट किया। यश खुद तो मरा ही, साथ में पूजा को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उधर कोर्ट में ये सब सुनकर माही काफ़ी परेशान हो जाएगी। तो ये तो थी आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी, इसके साथ ही आपको बीते एपिसोड की भी जानकारी दे देते हैं, जहां आपने देखा कि राजीव कोर्ट में एक सीडी पेश करता है जिससे साबित होता है कि आदित्य और जोया 19 मार्च को एक साथ थे। और ये सब देखकर मिस्टर हुडा काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वीटनेस के तौर पर कोर्ट में को पायलट को भी बुलाया जाता है, जो ये बोलता है कि आदित्य ने ही जानबूझकर इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। ये सारे सबूत साबित करते हैं कि यश और पूजा का मर्डर एक सोची समझी साजिश थी। साथ ही कोर्ट में सबके सामने ये भी कहा जाता है कि उधर यश और पूजा मरे और इधर आदित्य और जोया का अफेयर शुरू हो गया। ये सब सुनकर जोया काफ़ी परेशान हो जाती है। अब आगे देखना होगा ये कि कैसे हर्षवर्धन उनकी बेगुनाही साबित करता है। ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से स्वातिक रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।